फ्रेंड्स, श्री जी पब्लिक ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। कबीरदास का दूसरा पद है और वीडियो 3 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे कबीरदास ने दूसरे पद में जो भक्ति के नाम पर आडंबर पाखंड ढोंग होते हैं उन पर कुठाराघात किया है, और उस कुठाराघात में केवल किसी एक पक्ष को ही नहीं लताड़ा है, अपितु जो जैसा करता है और वो कबीर की दृष्टि में सही नहीं है, समाज के लिए सही नहीं है, जो समाज को पथभ्रष्ट करता है उसी को फटकार लगाइए, यानी ढोंग ढकोसले पाखंड पर प्रहार किया और कहा है कि इस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर की प्राप्ति तो सहजता से, सरलता से, बिना किसी आडंबर के होती है। तो दूसरे पद में स्टार्ट करते हैं। संतो देखत जग बौराना, ये संसार के साधु देखो, ये संसार के लोग पागल हो गए हैं। बौराना माने पागल, संसार के लोग पागल हो गए हैं। संसार के लोगों को पागल क्यों कहा है? सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जब पत्याना, धावे माने दौड़ता है, पत्याना माने विश्वास कर लेता है। संसार के लोगों पर एक आरोप लगाते हैं कि संसार के लोगों को सत्य बात बताई जाए तो मारने के लिए दौड़ता है, झूठे जब पत्याना, और संसार के लोगों को झूठी बातें बताई जाएं तो उन पर पतियाना सहजतापूर्वक विश्वास कर लेता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी बुजुर्ग से कहो बाबा तुम कल खत्म हो जाओगे तो बाबा लाठी लेके पीछे दौड़ेगा, और उस बाबा से कहो बाबा रंगत आ रही है, रौनक आ रही है, तो बाबा बहुत खुश होगा और कहेगा शाबाश। तो संसार की ये प्रकृति है कि उससे सच बात कहो तो मानने के लिए दौड़ता है, और संसार के लोगों से झूठ कहो तो उस पर विश्वास कर लेता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रांत करे ऐसे नाना, इस संसार में मैंने बहुत से लोगों को नियम पूर्वक धर्म पूर्वक रहते हुए देखा है, और मैंने देखा है कि संसार के लोग प्रातः काल जलकर शौच क्रिया इत्यादि से निवृत होकर स्नान कर लेते हैं। कबीरदास के कहने का तात्पर्य है कि शरीर की बाह्य सफाई की अपेक्षा, शरीर की बाहरी सफाई तो करते हैं लेकिन आंतरिक सफाई पर वो ध्यान नहीं देते। आतप मार पखाने पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना, आतप माने पालती मार कर, पखाने माने पत्थर को। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो शौच क्रिया इत्यादि से निवृत्त होकर, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पालती मारकर पत्थरों को पूजने, पत्थरों की पूजा करने के लिए जुड़ जाते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। लेकिन कबीरदास कहते हैं कि वो धर्म के वास्तविक स्वरूप को लेश मात्र भी नहीं जानते, वो धर्म के बारे में लेश मात्र भी ज्ञान नहीं रखते। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, किताब माने किताब, कुरान माने मुस्लिमों का एक धार्मिक ग्रंथ। बहुतक पीर औलिया माने धर्म गुरु, मैंने बहुत से ऐसे धर्म गुरु और पीर औलियाओं को देखा है जो स्वयं किताब पढ़ते हैं, अपने शिष्यों को किताब पढ़ाते हैं, अपने अनुयायियों को किताब कुरान इत्यादि पढ़ाते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे उनमें वह जो ज्ञाना, मुरीद माने शिष्य, वो ऐसे लोग, वो बहुत से लोगों को अपने शिष्य बताकर, तदबीर माने उपाय, संसार की संसार से मोक्ष प्राप्ति के भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय बताते हैं, उनमें वह जो ज्ञाना अपनी अपनी सोच के अनुकूल। आसन मार डिंब धर बैठे मन में बहुत गुमाना, अब कबीरदास हिंदुओं के जो बाह्य आडंबर हैं उन पर कुठाराघात करते हैं और कहते हैं आसन मार डिम्बधर बैठे मन में बहुत गुमाना, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो आलती पालती मारकर आसन लगाकर जमीन पर बैठ जाते हैं, मन में बहुत गुमाना और अपने मन में ईश्वर का बहुत बड़ा होने का, भक्त का घमंड पाल लेते हैं। टोपी पहरे माला पहरे सॉरी पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ बुलाना, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो पीपल आदि वृक्षों की पूजा करते हैं, तीर्थ गर्भ बुलाना और तीर्थ इत्यादि स्थलों पर धार्मिक यात्राओं के लिए जाते हैं। टोपी पहने माला पहने छाप तिलक लगवाना अनुमाना, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो टोपी माला छापा इत्यादि से अपने शरीर को रंग लेते हैं। साखी शब्द है गावत भूले आत्म खबर न जाना, आत्म माने आत्म तत्व की, आत्म ज्ञान की, और वो लोग साखी शब्दों को गाते हैं, साखी माने दोहा,
भिन्न भिन्न प्रकार के दोहा पुकारते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं आत्म तत्व का लेख मात्र भी ज्ञान नहीं होता है। हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। हिंदू और मुस्लिम धर्म के नाम पर लड़ते हैं और वो कहते हैं हिंदू कि हमारा राम बड़ा है, तुर्क माने मुसलमान, मुसलमान कहते हैं कि हमारा रहीम बड़ा है, खुदा बड़ा है। आपस में दो लर लर मुए मरमन काहू जाना। इस तरह से हिंदू और मुस्लिम धर्म के नाम पर आपस में लड़ लड़ कर मरते रहते हैं। उस ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को न हिंदू समझ पाता है और न ही मुसलमान समझ पाता है। घर घर मंत्र देते फिरते हैं महिमा के अभिमाना। ऐसे लोग घर घर जाकर मंत्र माने दीक्षा देते हैं महिमा के अभिमाना और अपने अपने धर्म की महिमाओं का बखान करते हैं। गुरु के सहित सिख सब डूबे अंतकाल पछताना। सिख माने शिष्य। कबीरदास कहते हैं कि ऐसे गुरु जो अपने शिष्यों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं और शिष्य भी उन गुरुओं को पहचान नहीं पाते, तो वो गुरु स्वयं तो डूबते ही डूबते हैं, अपने शिष्यों को भी ले डूबते हैं और अंतकाल में गुरु और शिष्य दोनों को पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो ईश्वर मर्म बुलाना। कबीरदास कहते हैं कि हे संतो माने संसार के साधु सज्जनो सुनो, ई जो उपरोक्त बातें मैंने बताई हैं धर्म के नाम पर जो ढोंग ढकोसले आडंबर होते हैं, ये सब ईश्वर के उस वास्तविक स्वरूप को भुलाने वाले होते हैं। इन तरह के कार्यों से ईश्वर की सहज प्राप्ति नहीं होती। कैतिक कहो कहा नहीं माने। कैतिक माने कितना भी कहो माने समझाओ, संसार के सज्जनों को संसार के लोगों को कितना भी समझाऊं लेकिन संसार के लोगों की बात समझ में ये बातें नहीं आती हैं। सहज है सहज समाना। सहज सहज माने वो ईश्वर, सहज माने सरलता से, कि वह ईश्वर किसी ढोंग आडंबर पाखंड इत्यादि से प्राप्त नहीं होता। अब तो इस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सामान्य गतिविधियां होती हैं, सरलता से वो ईश्वर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ कबीरदास की भाषा के बारे में बात करें, पंचमेल खिचड़ी या सदुप कड़ी है, शांत रस है, धार्मिक आडंबरों पर कवि कबीरदास ने गिन गिन कर चोटें की हैं कि समाज में धर्म के नाम पर क्या क्या आडंबर होते हैं और उन आडंबरों से समाज के किसी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होता है। लर लर और घर घर में रुक्ति प्रकाश अलंकार है। कबीरदास ने यद्यपि गुरु को परमात्मा से भी ऊंचा माना है किंतु वो ढोंगी कपटी गुरुओं पर चोट करना भी नहीं भूलते। बस ये चैप्टर इन्हीं वीडियो में समाप्त होता है। थैंक यू।